हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर। ऐसा आपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा है पर घंटा कोई आइडिया नहीं मिल रहा। खैर, फिर मैंने सोचा कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूँ, यूट्यूब पे मोटिवेशन दे के वीडियो डालूंगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों, 2 महीने तक दिन रात एक करके मैंने दाढ़ी बढ़ाई, फिर चश्मा भी पहन लिया ताकि थोड़ा मैच्योर लगूं। पर दिक्कत यह है कि दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं मिला। खैर, फिर मैंने सोचा कि दोस्तों, प्रैंक वीडियो बना लेता हूं, ये आसान है और ज्यादा चलता भी है। तो मैंने पड़ोस में एक दादी के ऊपर प्लास्टिक का सांप फेंक के एक प्रैंक वीडियो किया। वीडियो बहुत अच्छा आया दोस्तों, पर वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दादी अभी आईसीयू में है। डॉक्टर ने बोला है कि किसी चीज के वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा है। ऐसा क्यों हुआ, उनके घर वाले पता कर रहे हैं। खैर, फिर मैंने सोचा कि दोस्तों, फूड ब्लॉगर बन जाता हूँ। घर पे जो भी खाना बनाऊंगा मम्मी के हाथ से, वो वीडियो निकाल के बहन से बस पोस्ट कर दूंगा। पर दिक्कत यह है कि दोस्तों, मैं एक ओडिया हूँ। मेरे घर वही पोखड़ा, संतुला, बैगन भरता, दाल चावल, ये तो कोई देखेगा नहीं। खैर, फिर मैंने सोचा कि दोस्तों, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाता हूँ। पर प्रॉब्लम है कि दोस्तों, मैं एक आईटी एम्प्लॉय हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो इसके बीच मेरा ट्रैवल वही बस बाथरूम, फिर बेड, फिर किचन, इन्हीं के बीच होता रहता है मेरे ट्रिप्स, ये तो कोई देखेगा नहीं। खैर, फिर मैंने सोचा कि दोस्तों, रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलके। वो भी मान गई थी दोस्तों, बिकॉज वी शेयर ए गुड बॉन्डिंग। पर उसका हस्बैंड नहीं मान रहा, उसका हमेशा ही ट्रस्ट इशूज रहा है, गंदी नजर से देखता है हमारे रिश्ते को। खैर, क्या हुआ? अच्छा, होश आ गया वो पड़ोस वाली दादी को। अच्छा, सांप फेंक के? अरे मैं क्यों मारूंगा सांप फेंक के, वो दिन भर नागिन देखती रहती है ना, इसीलिए सोच ही ऐसा है। अरे मेरा तो दिन भर ऑफिस का काम रहता है। मेरी बात तो सुनो, अरे वो प्लास्टिक का था। लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। प्रैंक वीडियो फिर से नहीं बनाऊंगा, और कोई आइडिया हो तो।